देख लीजिए, यहाँ पे शंकर जी का शिवलिंग रखा गया है और यहीं पर शादियाँ भी होती हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सो बहुत दिनों से गाइस मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि दरअसल काम के वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट आज मैं आया हूँ। देख लीजिए मेरे पीछे ये पांडवेश्वर पुल है, जो पांडवेश्वर मतलब इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ दरअसल ये है पांडवेश्वर, और अगर आप पुल के उस साइड जाते हो तो वहाँ से आपका बीरभूम जिला शुरू हो जाता है। एंड इसके अलावा मैं बात करूँ तो आज मैं आया हूँ पांडवेश्वर के एक बहुत ही फेमस जगह जिसका नाम है पांच पांडव मंदिर, ये इस साइड में है और अभी हम लोग वहीं जाएंगे और मैं आपको हर एक चीज मंदिर के बारे में दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग आ गए हैं मंदिर के पास और यहाँ से मंदिर की जो है शुरुआत होती है और इस साइड में और भी इसका बहुत बड़ा बड़ा एरिया है। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे बनाए गए हैं। ये है यहाँ पर काली जी का मंदिर है, यहाँ पर अंदर आप देख सकते हो। और इस जगह के बारे में एक बात और है, दरअसल इस जगह का जो नाम है पांच पांडव मंदिर, दरअसल इसलिए रखा गया है क्योंकि बोला जाता है कि यहाँ पर जो पांचों पांडव थे वो लोग यहाँ पर आए थे, विश्राम किया था, जिसकी वजह से इस जगह का नाम पांच पांडव रखा गया है। मैं नहीं मानता, हालांकि मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि ये सही बात है या नहीं, बट कोई बात नहीं। और इस साइड में मंदिर का जो मेन भाग है वो अंदर शुरू होता है। अब मैं आ गया हूँ मंदिर के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इधर जो है शंकर जी का मंदिर है और इस साइड में और भी बहुत सारे मंदिर है, वो भी आपको एक एक करके सब कुछ दिखाता हूँ। सो ये है शंकर जी का मंदिर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शंकर जी के जो शिवलिंग है यहाँ पर रखा गया है, और इस साइड में और भी शंकर जी की मूर्तियाँ और भी बहुत सारे भगवान हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे गणेश जी को रखा गया है। सो अभी दरअसल ऑफ सीजन चल रहा है तो भीड़ नहीं है, और इसीलिए मैं भी सोचा कि चलो ठीक है, अच्छा है मौका, क्योंकि खाली खाली वीडियो बन जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं सब मतलब हर एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से दिखा पाऊंगा। और चलिए आइए और भी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर हनुमान जी भी हैं और ये है अंदर का मेन मंदिर, जहां पर आए गए आप देख पा रहे हो कि यहां पर कृष्णा जी हैं। सो ये है पूरा मंदिर और ये देखिए इधर पूरा एकदम व्यू देख लीजिए पूरे मंदिर का, इधर से दिखाना पूरा एकदम। तो ये है पूरा मंदिर, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, और यही है पांचों पांडव मंदिर। और कहीं ना कहीं इस जगह की बहुत अच्छी मान्यता है यहाँ पर पांडवेश्वर में, क्योंकि सारे लोग ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं, बहुत दूर से भी आते हैं घूमने के लिए यहाँ पर। और अगले महीने जनवरी में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मेला लगने वाला है, तो जिसे एक्चुअली में खिचड़ी मेला बोलते हैं। तो आप लोग सभी से अनुरोध है कि आप लोग अगर अगल बगल कहीं रहते होंगे तो यहाँ ज़रूर आइएगा। और ये है बाहर का एरिया, और वहां जो आप देख रहे हैं वहां पर बहुत सारे लोग हैं, उधर ही दरअसल मेला लगने वाला है अगले महीने। तो ये है अंदर शंकर जी का एक मंदिर है, ये भी आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे शंकर जी का शिवलिंग रखा गया है और यहीं पर शादियां भी होती हैं।
होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूंगा। सो तब तक के लिए बाय।